एनआईए ने जम्मू कश्मीर में हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं पर बड़ा बयान दिया है। एनआईए का कहना है कि पत्थरबाजी की ये घटनाएं एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। अलगाववादियों को कश्मीर में आतंकवाद का राजनीतिक चेहरा बताते हुए एनआईए ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने की अपनी बड़ी साजिश के हिस्से के तौर पर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आतंकियों ने पत्थरबाजी की रणनीति बनाई। इसी कड़ी में प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का तंत्र काम कर रहा, जो बंद सड़कों पर जबरन जाम, सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, आगजनी करने, स्कूलों को जलाने, बैंकों को लूटने और मुठभेड़ स्थलों पर सुरक्षा बलों के ऊपर भीड़ के हमलों को अंजाम दिलाने के लिए लगातार काम कर रहा। एनआईए ने बताया कि अक्सर सुरक्षा बल हिंसा कर रहे पेशेवर पत्थरबाजों से निपटने के लिए बल प्रयोग के इस्तेमाल को मजबूर हो जाते हैं। पत्थरबाजी के वक्त जो युवा पैलेट गन से घायल होते हैं, उन्हें अलगाववादी अपने एजेंडे को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी की साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के जरिए रची जाती है। पाक आतंकी हाफिज सईद और सलाउद्दीन हवाला के रास्ते पैसा भेजकर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर का युवा अपने रास्ते से भटक रहा है और सेना पर पत्थरबाजी कर गोली का शिकार हो रहा है।